अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग करती हूँ शुरू अपने ये जी को ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। भाई आज जो है ना सीन कुछ ऐसा है कि आज जो है मैं जा रहा हूँ अपनी 70 की ट्रेनिंग, ऑयल चेंज ये सब कराने, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 4 रात को गाड़ी निकलवाई है और 555 किलोमीटर हो गई। बट शोरूम से ये रिक्वायर्ड था कि आप 500 पे ऑयल चेंज और ट्रेनिंग वनिंग करानी है, गाड़ी टाइट करानी है। अभी से लेके चलते हैं और आपको शोरूम पे जो है ना और भी सब कुछ बताते हैं। मैं जा रहा हूँ शोरूम। अच्छा सीन ये है कि अभी वहाँ जो है ना मेरा मानी भाई भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आएंगे वो, लेकिन खैर आपको उनसे भी मिलाते हैं। उनके बंडो वाइफ है वो भी, मतलब वो ना कल रात से मेरे से रबते मिले भाई, ये काम उठाना है मैंने, यार चलो मेरा भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा और एक बताओ भी हो जाएगा। तो खैर अब चलते फटाफट, आंटी पहुँचते शोरूम पे डायरेक्ट। अच्छा यार अब जो है ना मैं समझ भाई को उठाने आऊँ, बिकॉज उनकी भी रील बन जाएगी और मेरा भी कुछ जो है ना शूट वूट का अच्छे का काम हो जाएगा। तो बस समझ भाई आ रहे हैं और फिर हम चलते हैं शोरूम। अस्सलाम वालेकुम सर, सोकर उठ गए आप? अभी शोरूम ये लांडी में बना हुआ लोकेशन में बिलाल भाई से पूछवाता हूँ, बाकी समझ भाई है बेहतरीन। अब जो है बिलाल भाई से मिलते हैं, कपड़ा मैंने उतार दिया। तो भाई यहाँ जो है ना सीन ऐसा है कि आपको यहाँ एनी टाइम स्टॉक अवेलेबल मिलेगा और सेकेंडली ये जो है ना कराची का सबसे बड़ा शोरूम कहलाता है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक? अलहमदिल्ला यार, बस यार कुछ पॉलिसियाँ पूछनी थी आपसे और अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग सर्विस ये वो करवाना है। बिल्कुल आ जाओ, कौन सी गाड़ी की पॉलिसी थी? आ जाओ आ जाओ यार। आप ये बताओ अभी मैंने प्राइडर बेची है, प्राइडर के क्या रेट चल रहे हैं? प्राइडर इस वक्त चल रही है कंपनी इनवॉइसेस की 2,08,900 रुपये ना। 2,08,900 विदाउट रजिस्ट्रेशन? अच्छा अच्छा, रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पड़ेगी 2,20,000 रुपये। 2,20,000? 2,20,000 रुपये सेट हो गया। और 1-5? 1-5 जो है 2,34,900 रुपये की कंपनी इनवॉइस है। और सलफ वाली? सलफ वाली पड़ेगी 290 to 900 गोल्डन वाली। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन ठीक है। और अगर हम सिल्वर वाली बोलें तो वो आएगी आपको 280 to 900 की, ये विदाउट रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के साथ तीनों बताओ। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेगी 1-5 2,48,000 रुपये की, और वैसे 2,50 की अगर आपके कोई रेफरेंस से आता है तो 248 की देंगे ठीक है। और 70 है, 70 की तरफ आओ ब्लू वाली के, मतलब ये अच्छा एक सेम प्राइस है। अच्छा सेम प्राइस है, कलर वाइज प्राइस है। अच्छा कलर कोई सा भी हो उसका मसला नहीं है, रेड हो ब्लैक हो ब्लू हो। अच्छा 157,900 अभी ज़्यादा चलता कौन सा है? 70 और 1-5 नहीं, कलर कौन सा चलता है देखें? अगर 70 में देखा जाए तो ब्लैक है, और अगर 1-5 में देखा जाए तो रेड है। रेड है, रेड है कराची वाले तो फिर रेड की जान है। अच्छा मैंने वैसे अभी निकलवाई है, ब्लैक निकलवाई है आपने तो माशाल्लाह बड़ी है। हाँ वो खड़ी है मेरी। अभी ये बताओ रेट इसके ऊपर कितने बढ़ गए? अभी तो फिलहाल नहीं बढ़े, कहना ये है कि अब बढ़ने वाले हैं पैसे। अच्छा बढ़ने वाले हैं पैसे। और रजिस्ट्रेशन पे भी जो नए बढ़े हैं वो कितने? रजिस्ट्रेशन पे तकरीबन 500 रुपये बढ़े हैं। अच्छा 500 रुपये बढ़े रजिस्ट्रेशन पे। और ये ड्रीम के सुनाओ यार, ड्रीम की रिसेल है? रिसेल है ड्रीम की? ड्रीम की सेल है बट 70 के मुकाबले थोड़ी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कम है। और ये स्मूथ और कंफर्ट गाड़ी है, अगर स्मूथ और कंफर्टेबल में जाए ना तो आप 100 पे चले हैं। 100 मैंने चलाई है, मैंने चलाई है 100 बड़े मजे की है। चलो बस फिर वो यार बिलाल भाई 70 चढ़वाओ ऊपर, और जो है ना ट्यूनिंग शूनिंग लगवाओ जरा हर गाड़ी। अब जो है ना इसकी कंप्लीट काम कराते हैं। तो भाई ये रही अपनी 70 और ये रही मानी भाई की 1-5। ये खड़े हुए लेकिन ये व्लॉग में आना नहीं चाह रहे, मना कर रहे हैं कि नहीं यार व्लॉग में नहीं लो। तो खैर अभी ये काम वाम चल रहा है और ये आते भी नहीं है व्लॉग में ना, तो इसका जो है ना कंप्लीट होगी ये ना, बाकी इसकी वापस में सर्विस भी करवाएंगे। गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी
तो टाइम हो गया मैं यहाँ पर, और अब जाके अच्छा इसका पुराना ऑयल तो देखें क्या कह रहा है। पुराना ऑयल ज़्यादा गंदा नहीं है, मगर ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन फिर भी शोरूम ने बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई 500 पे चेंज करवाना है तो फिर करवाना है। तो भाई गाड़ी तो माशाल्लाह डन हो गई है, सब कुछ हो गया, ऑयल चेंज, अब जो है ना सर्विस ले गई, चलते हैं इसकी सर्विस कराते हैं जाके, और बस और देखते क्या काम रह गया। तो भाई मेरी गाड़ी की जो ना टंकी उस तरफ गिरी हुई थी, तो देखा ना तो ये रबड़ जो है ना रबड़े टूट गई एक तरफ से ना, बाकी तो सेट है, एक तरफ की सेट है, एक तरफ की टूट गई, तो ये भी चेंज करवाई है। तब यार जितने भी छोटे मोटे काम है सब करवा दिए, जो जो मुझे नज़र आ रहे थे ना, बाकी अगले व्हील में से भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है वो भी ठीक करेंगे हाथों हाथ, और फिर इसकी सर्विस है वही बात। बाकी यार ये देखो ये 2 बज रहे हैं और 2 बजे का मौसम चेक करो आप, देख रहा हूँ ये 2 बजे का मौसम हो रहा आउट क्लास, और ये है कुछ मनाजिर शोरूम के। चलो यार देखते हैं क्या सीन है, अभी और कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम। बस भाई कंप्लीट हो गई गाड़ी अपनी, प्लीज़ ओके कर दी भैया ने, ये हमारे अफलान भाई इन्होंने भाई एंड में भाई लगा सीट वीट पैक करने लगा, तो रेडी हो गई अपनी, नीचे उतर गई ये खड़ी भी, अब बस बिल विल लेते हैं और निकलते हैं। तो ये बना और मेरे ख्याल से तो बहुत सही बना, अब लाल भाई से मिलते हैं और निकलते हैं। सही है यार लाल भाई, हो गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी लाल भाई। सही है भाई, आना भाई दोबारा चक्कर लगाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है बस जज़ाकअल्लाह। चलो यार निकलते हैं, चलो यार निकलते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, बिस्मिल्लाह चलो समझ भाई। हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसा, मैं शोरूम से आ गया था उसके बाद गाड़ी धोई, उसके बाद अब जाके फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ, गाड़ी वाड़ी धो के सर्विस सर्विस खुद कर दी थी मैंने। तो बस यार अगर मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर आपको अपनी होंडा या कोई सी भी बाइक हो 125 चाइना हो कोई सी भी बाइक हो, आप वहाँ जाके काम करा सकते हैं, ऑयल चेंज फ्री है। और यार मैं तो अच्छा मैंने मानी भाई की गाड़ी का काम कराया, मानी भाई ने बोला यार गाड़ी ऐसी कर दी इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन, उनका 2023 का मॉडल है, और वो खुश होकर गए जिसे कहते हैं हैप्पी कस्टमर। और ये मैंने जो है उनको भी रात में ही बुला लिया था, मैंने कहा तुम आ जाना सुबह और मैं भी यहाँ से पहुँच गया, एक ज़रा एक आइडिया हो जाएगा कि यार सही मतलब उनकी उनकी गाड़ी में ज़्यादा काम था, मेरी गाड़ी में इतना नहीं था, उनकी गाड़ी में ज़्यादा काम था। तो उनका मैसेज जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा, यार वो बोले यार बेहतरीन हो गई बाइक ये वो, मैंने अच्छा चलो गुड हो गया। तो बस मैं इस लोग को ये एंड करता हूँ, आई आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।